पेट के बल उल्टा होकर ना लेटे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को पेट के बल लेटे हुए देखा तो फरमाया, इस तरह पेट के बल लेटना अल्लाह ताला को पसंद नहीं। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैं पेट के बल लेटा हुआ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे, मुझे कदम मुबारक से ठोका दिया और फरमाया, ऐ प्यारे जुनैदिद, ये अहले जहन्नम के लेटने का अंदाज है, यानी ऐसे मत लेटो। मुंह लपेट कर ना सोना, कुछ लोग रजाई के अंदर मुंह रख के सोते, इससे क्या नुकसान होता है? ऑक्सीजन नहीं मिलती और कार्बन डाइऑक्साइड ही इनहेल करते रहते हैं बार बार। अब सारी रात अगर यही काम करेंगे तो सुबह फ्रेश कैसे उठेंगे? दायां हाथ रुखसार के नीचे रखना, यानी सोते वक्त न सिर्फ ये दाएं करवट हो बल्कि दायां हाथ दाएं गाल के नीचे हो। सईदना हुजैफा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को बिस्तर पर लेटते तो अपना हाथ रुखसार के नीचे रखते थे। सईदा हफ्सा कहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने का इरादा फरमाते तो अपना दायां हाथ रुखसार के नीचे रख लेते, फिर तीन मरतबा फरमाते, अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबका यौम तबअथु इबादक, ए अल्लाह मुझे अपने अजाब से बचा लेना जिस दिन तू अपने बंदों को उठाएगा, यानी क़यामत के दिन। तजुर्बा से ये बात पता चलती है कि दाएं हथेली और रुखसार के मिलने से, यानी दाएं हथेली और रुखसार दो जगहों के मिलने से दिमाग का दाया हिस्सा मुतहर्रिक हो जाता है। इस तरह दौरान खून तहरीक का सिलसिला शुरू हो जाता है, यानी सर्कुलेशन बेहतर होती है। इस अमल के दौरान जायद और मुजिर चर्बी एलडीएल को जायल हो जाती, जिससे आसाब पुरसकून होते हैं और नींद भी पुरसकून होती। तो हर चीज में एक हिकमत है, लेकिन हम उससे बढ़कर सुन्नत की पैरवी करेंगे। अगर बाद में करवट बदलनी पड़े तो बदल सकते हैं, ये नहीं कि सारी रात एक ही करवट पे सोएं, लेकिन आगाज में दाएं तरफ ही हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरा बिन आज़िब को नसीहत की, जब तुम सोने के लिए अपने बिस्तर पर आओ तो नमाज जैसा वजू करो और अपने दाएं पहलू पर लेट जाओ। अबू कतादा कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान सफर रात के वक्त पड़ाव करते तो अपनी दाई करवट लेटते, और अगर सुबह से कुछ देर पहले पड़ाव करते तो अपने बाजू को खड़ा करते और हथेली पर अपना चेहरा रखते, नीचे रखकर नहीं सोते बल्कि बाजू खड़ा करके सोते। क्यों? ताकि ज्यादा गहरी नींद ना सो जाए, नमाज के लिए उठ सके।